हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ये सैटन फैब्रिक आप देख रहे हैं इसका मैं आपको आज बो बना के दिखाऊंगी। सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। तो ये मैंने बो फैब्रिक ले रखा है, अरे सॉरी, सैटन का फैब्रिक ले रखा है। आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसकी मैंने ले रखा है फैब्रिक। ये मेरा बचा हुआ फैब्रिक था, ये मेरे ड्रेस का, तो उसी से मैं बना रही हूँ ये। तो सबसे पहले हम फैब्रिक का लेंथ लेंगे। तो 9 इंचेस मैंने लेंथ इसकी रखी हुई है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग इसकी घटा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से 9 इंच पे हो गया मेरा। और इसकी जो विड्थ है वो 10 इंचेस पे रखी है मैंने। आप विड्थ भी इसकी अपने अकॉर्डिंग इसकी घटा बढ़ा सकते हैं, आपको जितना भी चाहिए। तो मैंने 10 इंचेस पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। मुझे इसका डबल निकालना है, तो इसको बीच में से मैं फोल्ड कर दूँगी। सेम ही फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ मैं, इसलिए अगर आप चाहें तो इसमें लाइनिंग का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डबल कर लिया मैंने। अब मैं इसको साइड से पहले इसकी कटिंग करूँगी। इसकी विड्थ एक और बार मैं चेक कर लूँगी। तो 10 इंचेस पे है ये। अब मैं इसकी साइड से कटिंग कर लूँगी पहले। तो देखिए, इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था साइड का, उसे मैं ट्रिम कर दूँगी। देखिए, इस तरह से मैंने इसे ट्रिम कर लिया है। अब हमें सबसे पहले से क्या करना है, पहले हम इसका मिड निकालेंगे इस फैब्रिक का। तो 5 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे खुले साइड पे, और 1-1 इंच की गैप पे हम निशान लगाएंगे दोनों तरफ पे। देखिए, इस तरह से 2 इंच की गैपिंग हो जाएगी। इस निशान पे हम सिलाई नहीं करेंगे, बाकी चारों तरफ पे हमें सिलाई लगा देनी है। बस हमें 2 इंच का गैप छोड़ के बाकी सब पे स्टिच कर देना है। तो हम इसे स्टिच कर लेंगे पहले। ये जो हम 2 इंच का गैप छोड़ रहे हैं, और हम जब सिलाई कर लेंगे तो ये पूरा उसमें हम इस तरह से करेंगे तो ये पूरा अंदर को कवर हो जाएगा, ये सिलाई नहीं दिखेगी, इसलिए मैंने इसमें 2 इंच का गैप छोड़ा हुआ है। अब मैं इस पे सारे पे सिलाई लगा देती हूँ। फैब्रिक को हम अच्छे से पहले पकड़ लेंगे, फिर इसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहें तो पहले कच्चा कर लीजिए, फिर इसके बाद आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसके चारों तरफ पे मैंने सिलाई लगा दी है। ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड था, इसे मैं कट कर दूंगी दोनों साइड पे। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं इसको जो हमने 2 इंच का गैप छोड़ा हुआ था, वहाँ से हम फैब्रिक को सीधे साइड पे मोड़ेंगे। तो हम इस तरह से इसको अच्छे से टर्न कर लेंगे। देखिए, इस तरह से टर्न करना है, ये बिल्कुल आराम से करना है। तो टर्न करने के बाद हम इस पर आयरन कर लेंगे। आयरन करने के बाद ये बहुत ही अच्छा सा दिखेगा, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे इस पर आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद देखिए, इसकी फिनिशिंग बहुत ही सही आई है। इसके बाद हमें इसका मिड निकालना है। तो मिड इसका 5 इंच था, तो 5 इंच पे हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमें इस पर लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे, या तो आप चाहे तो हाथ से भी कच्चा कर सकते हैं, जो इसमें हमें गैदर्स डालने हैं, जो इसमें प्लीट्स पड़ेंगी। इसके लिए चाहे तो आप इस पर पहले छोटी छोटी प्लीट्स बना लीजिए हाथ से ही। तो इस तरह से हम छोटी छोटी प्लीट्स पे बना सकते हैं। प्लीट्स की लेंथ जो गैपिंग रहेगी वो अपने हिसाब से आप तय करिए। तो देखिए, इस तरह से हम इसमें छोटे छोटे प्लीट्स बना देंगे। मैं इस पर पहले मैं सिलाई लगा दूँगी। तो मैंने सिलेक्टर को डी पे रखा है और लेंथ को सॉरी 3 पे रखा है। इस तरह से देखिए, इसमें से एक थ्रेड हम पकड़ेंगे, फिर इसको हम खींचेंगे अपनी तरफ। इस तरह से ये गैदर्स बनती जाएंगी। बिल्कुल आराम से थ्रेड खींचना है, थ्रेड टूटना नहीं चाहिए, वरना ये ख़राब हो जाएगा और बनेगा नहीं। तो इसके लिए हम इसको आराम से खींचेंगे अच्छे से। इस तरह से हमने खींच लिया है। खींचने के बाद इसी थ्रेड से हम इसको अच्छे से राउंड राउंड करके लपेट देंगे इसमें धागे को। आप चाहे तो अलग से भी धागा इसमें लपेट सकते हैं, या फिर आप सुई से इस तरह से इसको एडजस्ट कर दीजिए। करने के बाद इसमें नॉट लगा दीजिए। तो देखिए, इस तरह से इसको मैंने कर दिया है। इसको करने के बाद इसको मैं सेम फैब्रिक से इसको कवर कर दूंगी। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले रखा है, 2 इंच के लगभग लिया है मैंने। तो देखिए, इस तरह से हम इसको बीच में से फोल्ड करने के बाद इसमें सिलाई लगा देंगे। हमने इसे सिर्फ 2 इंच के लगभग लिया हुआ है, ज़्यादा नहीं लेना है, वरना ज़्यादा मोटी नॉट बनेगी। तो हम जस्ट 2 इंच के लगभग लेंगे। फिर इसको हम इस लंबाई में लेके 1/2 इंच के लगभग हम इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए, इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है।
सिलाई लगाने के बाद इसे हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सीज़र की हेल्प से इस फैब्रिक को सीधा कर रही हूँ। आप चाहे तो किसी नुकीली चीज़ से आप इसे टर्न कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं अब मैं इसे अपने बो के ऊपर रख के इसको अच्छे से एडजस्ट करूँगी। तो देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से रखने के बाद इस पर हम रखेंगे, फिर इसको अच्छे से हम एडजस्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से करना है इसको। इस पर मैं ये देखिए कर दिया है इसको मैंने। अब इसमें सिलाई लगा दूँगी, छोटे छोटे टाँके लगा दूँगी इस पर, ताकि ये फिक्स हो जाएगा और ये नहीं निकलेगा। इस पर मैं सिलाई नहीं लगाऊँगी, मशीन से नहीं लगा रही हूँ, मैं हाथ से इसमें छोटा छोटा कच्चा टाँका लगा दे रही हूँ। तो इसको मैं चारों तरफ से इसमें सिलाई छोटे छोटे नॉट लगा दूँगी। जितनी मैंने इसको रैप करके रखा हुआ है, जस्ट उस पर ही हमें इसे फिक्स कर देना है। आप चाहे तो ग्लू गन की हेल्प से भी आप इसे चिपका सकते हैं, उससे भी ये नहीं निकलेगा। लेकिन मैं इसमें छोटे छोटे टाँके लगा रही हूँ। आप भी नीडल की हेल्प से सेम थ्रेड का लगा थ्रेड लेके आप इसे नॉट लगा सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से नॉट लगा देंगे। अगर आपको मेरी नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो आप बेल के आइकन को क्लिक करिए करने ना भूलिए, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको चारों तरफ अटैच कर दिया है। इसको अच्छे से थ्रेड को मैंने अच्छे से एडजस्ट कर दिया है। अब मैं एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से ये बन के मेरा रेडी हो चुका है। इसको मैं आप देख ली देख जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मुझे इसमें अलग से एक डिज़ाइन बनानी है। तो इसके लिए ये मैंने फैब्रिक ले रखा है, सैटन फैब्रिक है इसी का ही। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको उल्टा रखा हुआ है। इसकी जो लेंथ रखी है वो मैंने 10 इंचेस रखी है। इसके बाद हम इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देंगे। जैसे हम अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग करते हैं, वैसे ही हमें इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देना है। तो इसके बाद हम इसके साइड की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कट करके रिमूव कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें जो इसका यहाँ साइड से हमें जो इसका कॉर्नर है वहाँ से 2 इंच के लगभग हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसे यहाँ से कट कर देंगे जो कि एक्स्ट्रा है। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब इसके दोनों किनारों पे मैं सिलाई लगा दूँगी। एक तरफ से ये फोल्डेड है, तो आइए मैं इस पर सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल किनारे से रख के इस पर हमें सिलाई लगा देनी है इसके दोनों साइड पर। अगर आपके पास वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके आंसर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगी। तो देखिए इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से एक तरफ लगा दिया है, दूसरे साइड पे भी मैं इसे सिलाई लगा दूंगी। इस पे भी सीधी ही सिलाई लगानी है हमें। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा दी है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ, जो कि हमने जहाँ से सिलाई नहीं करी थी वहाँ से मैं इसे सीधा करूँगी। तो देखिए इस तरह से हमें इसे सीधा कर लेना है। इसके जितने भी हैं चीज़ें अच्छे से मैंने इसे सीधा कर लेना है। फिर इसके बाद इस पर मैं आयरन कर दूँगी। तो देखिए आयरन होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये हमें इस तरह से मिल जाएगा ये फैब्रिक। इसके बाद हमें जो इसमें डिज़ाइन डालनी है उसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, फैब्रिक को इस तरह से हमें पकड़ना है। फिर इसके बाद हमें छोटी छोटी इसमें प्लीट्स डालनी है, तो इस तरह से बनाना है। आपको मैं एक और बार दिखाती हूँ, बहुत इजी मेथड है ये। पहले इसमें हम किनारे साइड से हमें इसमें छोटे छोटे प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। बहुत ईजीली बन जाती है, अगर आप अच्छे से इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगी ये। इस टेक्निक से आप कोई भी ड्रेस भी बना सकते हो। इससे बनी हुई ड्रेस भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। तो देखिए इस तरह से इसमें हम छोटे छोटे प्लीट्स डालेंगे। मैं आपको एक और बार बना के दिखाती हूँ। तो हमें साइड से जो ओपन पार्ट था उधर साइड से हमें करना है इसको। हम अंदर साइड को 1/2 इंच टर्न कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें छोटी छोटी प्लीट्स डालेंगे। अब इस तरह से आप चाहे 1 इंच के गैप में भी आप बना सकते हैं इसको। बिल्कुल हमें ज़्यादा नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा ही करके रखना है हमें ये। तो देखिए इस तरह से हम इसको बना लेंगे। देखिए मैं बना लिया है मैंने इसको। इस पर मैं एक सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए मैंने जिगजैग फुट का यूज़ किया हुआ है मैंने इसमें। तो इसको मैंने देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। आप चाहें तो सिलाई करने से पहले इसमें कच्चा कर लीजिए या फिर पिनअप कर लीजिए, फिर इसके बाद आप इस पर सिलाई लगाइए। सिलाई करते समय आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो फैब्रिक है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इसके तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड के डिज़ाइन बना के रेडी कर लिए हैं। कितना ये ब्यूटीफुल लुक आ रहा है।
आप चाहे तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं, ये आप में अपने अकॉर्डिंग इसकी साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं। मैंने मेरी अकॉर्डिंग इसकी साइज़ रखी हुई थी, तो देखिए इस तरह से मैंने ये दोनों बना के रेडी कर लिया। मैं आपको अपनी बो के साथ रख के इसे दिखाती हूँ, तो देखिए इस तरह से हम इसको बो के साथ अपने रख के एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये दोनों जो हमारे पीस है इसको एक के ऊपर एक अच्छे से हल्का 1/2 इंच के लगभग रख के इसे पहले नॉट लगा देंगे इसमें। तो देखिए इस तरह से हम इसको सिलाई 2-3 इसमें ठाके लगा देंगे। कोई भी डिज़ाइन मुश्किल नहीं होती है, बस आपको इसको एक बार समझने के लिए दे रहे हैं, फिर आप इसे आराम से आप बना सकते हो। ये भी बहुत ही इजी डिज़ाइन था ये, तो आप इसे बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसमें 2-3 बार करके नॉट लगा दिया है। नॉट लगाने के बाद जो हमारा बो है इसके साथ में इसे रख के अच्छे से एडजस्ट करूँगी पहले, फिर उसके बाद मैं इसमें टाके लगा दूँगी। अगर आप चाहें तो ग्लू गन की हेल्प से भी आप इसे अटैच कर सकते हैं, उससे भी ये फिक्स हो जाएगी, नहीं निकलेगी। लेकिन मैंने इसमें सुई धागे का ही यूज़ करा हुआ है, तो इसको मैं अच्छे से इसके जो हमने बनाई हुई है नॉट उसके अच्छे चारों तरफ पे अच्छे से इसको हम छोटे छोटे टाँके लगा देंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसमें टाँका लगा देना है। एक्स्ट्रा थ्रेड को मैं कट कर दूंगी। अब मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ आपको। देखिए इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल बो बन के मेरी रेडी हुई है, बिल्कुल न्यू ट्रेंड की है ये। तो देखिए इस तरह से ये मैंने बना लिया है। इसको मैंने एक ड्रेस बनाई थी, बॉक्स प्लेटेड गाउन था मेरा, उस पर मैं इसे अटैच करूँगी। इस गाउन बॉक्स प्लेटेड गाउन की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छा लग रहा होगा तो। तो इसको मैं यहाँ अपने साइड में इसे रख के अटैच करूँगी। सबसे पहले इसमें मैं बटन लगा देती हूँ, लगाऊँगी एक। तो देखिए इस तरह से हम इसमें एक बटन को लगा देंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसमें बटन अटैच कर दिया है। ये मैंने रेडीमेड बटन लिया हुआ था। अगर आप चाहे तो फैंसी बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बटन नहीं भी लगाना चाहे तो आप इसे लेस से भी डेकोरेट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग करिए आपको जो भी इसमें अच्छा लगे। तो देखिए इसमें मैंने ये बटन अटैच करी हुई है। अब मैं इसको अपनी गाउन के साथ अटैच कर दूँगी बो को। तो इसको मिड में रख के मैंने बो के मिड में मैंने करके अपने गाउन के साइड से निकाला हुआ है इस तरह से। देखिए पीछे साइड करने के बाद मैं इसे 1-2 बार करके फिर मैं इसे नॉट लगा दूंगी। बिल्कुल आसानी से ये लग जाता है, मशीन की ज़रूरत भी नहीं होती है, आप हाथ से ही बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मेरी ब्यूटीफुल डिज़ाइनर बो बन के रेडी हो चुकी है, जो कि सैटन फैब्रिक का था। तो होप यू ऑल लाइक इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। Thanks for watching. Thank you.